दोस्तों आप जो ये क्रेडिट कार्ड देख रहे हो अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, सबसे गंदी आदत, अगर एक भाई गलती से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, अगर थोड़ा मोड़ा कुछ डिटेल्स में कमी है, कार्ड को डिक्लाइन करने के बाद बोलेंगे 6 महीने का वेट करो, कोई ऑप्शन नहीं देंगे ना बैंक के थ्रू ना कहीं और से, आपको 6 महीना वेट करना है। चलिए बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्ड है एक काफी प्रोफेशनल कार्ड है, क्यों? क्योंकि ये कार्ड अमेजोन के थ्रू प्रमोट हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि ये कार्ड जो है अमेजोन के थ्रू ही मिल रहा है और इसमें अमेजोन का नाम है और आईसीआईसी बैंक का नाम है। इसमें लैंडिंग पार्टनर आईसीआईसी बैंक है और अमेजोन के थ्रू इस कार्ड को सेलिंग किया जा रहा है। अब यहाँ फ्रेंड मैं आपको बता दूं, ये जो कार्ड है, ये कार्ड इतना अधिक अपने इंडिया में लोगों के पास हो चुका है कि अब बैंक जो है इस कार्ड को बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्ड इतना बेहतरीन कार्ड है, जिसके पास एक कार्ड चला गया उसकी तो लाइफ ही बदल गई। क्योंकि इस कार्ड को अगर आप रख देते हैं 2-4 महीने के लिए, कोई टेंशन नहीं, फ्री है, आप जब मन कहे तब इस्तेमाल करो, जब मन कहे तब बिल पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोन के ऑफर भर भर के इसमें आते हैं। तो यहाँ फ्रेंड ये जो कार्ड है, 6 महीने का टाइमिंग बैंक क्यों रखता है? देखो बैंक आईसीआईसी बैंक का मुझे एक अच्छी आदत लगता है, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने पे 5-6 महीने का टाइमिंग देने का दो कारण है। पहला कारण, कस्टमर का सिविल रिकॉर्ड खराब ना हो। और दोस्तों मैं हर बैंक को ये चीजें बताना चाहता हूँ, कोई भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन अगर होता है तो मिनिमम मैक्सिमम 6 महीने का टाइम रखना चाहिए। बट यहाँ पे और बैंक के 1-2 महीने में सिस्टम को रिफ्रेश कर देते हैं, अगर जिस साइट से अप्लाई कर रहे हैं वहां से आपका डेटा को रिफ्रेश कर देंगे, दोबारा अप्लाई करोगे आपका प्रोसेस चला भी जाएगा। तो फिर ये चीजों की वजह से आज लोगों का सिविल खराब हो रहा है। अगर बैंक 6 महीने का गैप रखे, किसी का सिविल खराब ना हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। बट आज के टाइम की बात करूं तो इस चीज का पालन बैंक के नहीं कर रही है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया 1-1.5 महीने में, वहां पे देखो जब किसी वेबसाइट से या किसी बैंक के साथ आप कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो आपका डेटा वहां पे स्टोर हो जाता है। अब वो स्टोर तो हो गया, बट वहां पे सिस्टम जो ऐसा होता है, बैंक ने ऐसा बनाया है कि 1-2 महीने के अंदर वो फिर से रिस्टोर, मतलब कि वो पूरा साफ हो जाएगा, फिर से आप अगर अप्लाई करोगे तो वो सिस्टम तुरंत ऐड कर लेगा। अगर सिस्टम में आपका डेटा अगर पहले से मौजूद है, आप क्रेडिट कार्ड किसी भी कहीं से अप्लाई करो और नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में सिस्टम का डेटा है, सिस्टम ने वहां पर अपडेट किया है कि इस कस्टमर का प्रोफाइल में ये कमी है, तो वो सिस्टम आगे आपका दोबारा एप्लीकेशन भेजेगा नहीं, वहीं पे स्टॉप कर देगा। और जब सिस्टम डेटा गायब हो चुका है तो आपका वो एप्लीकेशन दोबारा बैंक के पास भेज देगा। तो ये चीजों को बैंक पे ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर का डेटा सेफ रहे, दिक्कत ना हो और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आगे करके ना हो, जो ये चीजें हो रही है। सो यही वजह है कि 6 महीने का टाइमिंग इसमें लगता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक बार डिक्लाइन हुआ, दो बार डिक्लाइन हुआ, तीसरी बार आप अपना डिटेल्स को अच्छे से फिल करो और हमेशा अपने घर से आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो ज्यादा दूरी ना हो, 100-200 किलोमीटर दूर हो, आपको और जल्दी ऑफर मिलने का चांस रहेगा। साथ में अगर आपका सिविल 770 है, आपका एक्सपीरियंस 850 प्लस है, तो यकीन मानो आपको मिलने का ज्यादा चांस है। आपका हाई मार्क भी आपका होना जरूरी है, क्योंकि ये सब सारे ब्यूरो को ये ट्रैक करते हैं। अगर सब सही रहेगा तो कार्ड आपको मिल जाएगा। और एक कार्ड इसको मिल गया, मैं बता रहा हूं कि जितने सारे आपके पास कार्ड हैं सारे कार्ड फेल। मेरा फेवरेट कार्ड एचडीएफसी बैंक का मिलनिया कार्ड था, मैं इसको ही फेल कर दिया इस कार्ड ने। क्यों? दोस्तों ये कार्ड में आपको पहले 1 रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए मिलते थे, अब बैंक कटौती करने लगा। अब दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा कितना मात्र, मतलब कि और कम कर दिया है इसमें भी आपका ज्वाइनिंग फीस एनुअल चार्ज फ्रेंड, बट इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये फेवरेट कार्ड है दोस्तों, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और मेरा ये मिनिया कार्ड भी है, बहुत बढ़िया है, बट मैं इसको ज़्यादा लाइक करता हूँ। आप बताना आप किसको लाइक करते हैं, किस बैंक कार्ड को ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको कौन बेहतरीन कार्ड लगता है, अपने अकाउंट में जरूर शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।